सो व्हाट्सअप गाइस, मैं हिमांशु, वेलकम यूट्यूब चैनल मर्करी व्लॉग्स। तो आज हमारा डे 3 है मालदीव्स में एंड सेंटारा आइलैंड पे डे 2। सो आज तीन चीज़ें करने का प्लान है हमारा। दैट इज़ दो चीज़ तो मैंने ये कि पैरासेलिंग एंड स्कूबा आज का प्लान है। अब मैं तीन इसलिए बोले क्योंकि आज हमारा रूम शिफ्ट होने वाला है वन ऑफ दोज विलास या फिर उस तरफ विलास, मतलब यहाँ दो रोज है, एक ये वाली और एक दूसरी साइड में आइलैंड के वहाँ पे एक और है। तो वहाँ पे हम शिफ्ट हो सकते कोई भी एक विलास में, क्योंकि हमने जो रूम चूज़ किया है उन दोनों विला की जो लेन है ना वहाँ पे ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे तभी हम जाएंगे स्कूबा के लिए, अब स्कूबा इंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे, वो बताया क्या क्या करना है एंड यहाँ पर स्कूबा किस तरह से हो रहा है आपको बताऊँगा इन डिटेल। उसका अलग वीडियो हो सकता है बनाऊँगा, वरना इसी वीडियो में डालूंगा अगर कम डेटा है उसके बारे में शेयर करने के लिए। तो जाते स्कूबा करने, मिलते हैं कुछ देर में। सो जैसे बताया आपको हम जा रहे हैं स्कूबा के लिए। सो मैंने GoPro ले लिया फिलहाल एंड स्कूबा में ये जब करवाते थ्री टाइप ऑफ कोर्सेस होता है इनका। पहले थियरी, ये लोग अपनी एप्लीकेशन में बताते हैं कि थियरी पहले पढ़ लो, बाद में ये वर्बली गाइड समझाता है, बाद में करते प्रैक्टिकल। तो हमने थियरी कर ली, एक एप्लीकेशन में पूरा कोर्स होता है उसको हम रीड करते हैं, वो थियरी के बाद फिर हम जाएंगे अब वर्बल जो बंदा समझाएगा मुंह से। बाद में थर्ड पार्ट होता है जो थ्री होता है, वो होता है प्रैक्टिकल जो हम सी में करेंगे। सो वी आर ऑल सेट, अभी और लोग भी रेडी हो रहे हैं। सो स्कूबा के लिए रेडी है हम, मतलब रेडी नहीं, कपड़े पहन लिए बस यार, चिपकता है ये। सो हम बस ये सिलेंडर जो इन्होंने पहन रखे पीछे हम ये पहन के आगे जाना है, हमें एरिया पे जब स्विम करना है फिर देन गाइड करेंगे वर्बली देन प्रैक्टिकली देन डाइव। सो वी ऑल सेट, जा रहे हैं। हैवी है अभी ये वेट्स पुट ऑन करेंगे, और वेट्स रखे हुए ब्लैक वाले, वो वेट्स रखेंगे फिर हम सिंक होंगे। एंड यस आई एम कैरिंग GoPro फॉर अंडर वाटर शूट भाई, बाहर ही तो है। चलो मिलते हैं पानी के अंदर। Thank you.
was amazing, man. It was amazing. Thank you very much. Thank you. Amazing, amazing. Just relax, relax. Oh, yeah, man. And for me, we did carry. सो हम लोगों ने कर लिया है स्कूबा. स्कूबा वॉज रियली अमेजिंग. बहुत मज़ा आया. अब हमारा बीच हाउस हो गया स्टे ख़त्म आज का. नाउ वी आर गोइंग टू वाटर विला. तो उसे वाटर विला में जाएंगे, वो उससे पहले थोड़ा लंच कर लेंगे, देन विल गो टू वाटर विला. देखते लोकेशन कहाँ पे आई है. अब यहाँ जाना है रिसेप्शन पे कीज देने के लिए, देन विल स्विच. तो हमें कीज़ मिल गई है हमारे विला की, वाटर विला की. सो लेट्स गो इन फाइंड द रूम फर्स्ट एंड आई विल शो यू द रूम. रूम पहुंच चुके हैं अपने वाटर विला. सो आई होप आपको रूम अच्छा लगा होगा. रूम काफ़ी सही हमको भी लगा है वैसे. एंड अब जा रहे हैं हम पैरा सेलिंग के लिए. पैरा सेलिंग भी हमें वहीं मिलेगा जहाँ हमने स्कूबा के लिए रजिस्टर किया था. हम जा रहे हैं पैरा सेलिंग. ड्रोन तो है नहीं भाई, खुद ड्रोन पर बैठ के जाएंगे. तो खुद ऊँचाई से शॉट लेंगे इसका. तो लेट्स गो फॉर पैरा सेलिंग. वी ऑल आर सेट फॉर पैरा सेलिंग. कैमरा सर टेस्ट सेल. तो हमारा पैरासेलिंग हो गया. बहुत अमेजिंग था. बहुत अच्छी हाइट थी. आपने देखा होगा ब्लॉग में. तो थोड़ा शावर ले लेंगे एंड फिर हम जाएंगे स्नॉकलिंग के लिए. वो स्नॉकलिंग खुद करनी होती है. जैसे आपने देखा है कि टेस्ट दिया, किट मिला है. अब किट का तो उपयोग करना ही पड़ेगा. वी हैव टू यूज़ द किट.
सो स्नॉर्कलिंग के लिए आए हम, बट थोड़ी बारिश हो रही है, पूरा मैदान खाली है। कोशिश करते हैं स्नॉर्कलिंग करने की, बारिश हो रही है वैसे। गेयर्स तो लेके आए हम, स्नॉर्कलिंग गेयर्स, लेट्स सी। सो गाइस, हम वापस आके वाटर विला पे। स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस अच्छा था ऑब्वियसली, बट बादल थोड़ा घने हो गए थे तो रोशनी कम थी अंडर वाटर, तो ज़्यादा नहीं दिख पाया। बट हाँ, फिशेज दिख रहे थे, ज़्यादा दिख पाया एक्चुअली, क्लियर नहीं दिखा उतना मेरे को। बस आई होप कैमरा में भी जितना आया हो उतना ही मुझे दिखा है। दैट्स इट, हम अपना डे ये ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग में मज़ा आ रहा है। सो आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपने अनसब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाल बटन ज़रूर दबाना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो इस वीडियो के बारे में। आपकी ट्रिप अगर हुई है या होने वाली है, उसे क्वेरीज और उसके ओपिनियंस आपके एक्सपीरियंस के साथ। सो मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। सी या।